हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना कुक्स। तो गाइस, आज हमने बनाया है डाइट स्पेशल लंच। तो ये जो लंच है ना, ये डाइटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। और जैसे कि हमने गोभी की स्टफ्ड रोटी बनाई, तो उसमें क्या है कि जो गोभी होती है ना हमारी, ये भी डाइटिंग के लिए हेल्प ही करती है। तो अब इसमें हमने जो बथुए का रायता बनाया है, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। सॉरी, पालक का जो रायता बनाया है, बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आगे देखते हैं कैसे बनाया है हमने ये सब कुछ। इसके लिए क्या किया, मैंने थोड़ा सा मीट किया हुआ आटा ले लिया है। आपको जरूरी नहीं है कि इकट्ठा ही, अगर आपके पास मीट किया हुआ आटा पड़ा है तो ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं कि स्पेशली हम लोग क्या वीट ब्रेन के साथ आटा स्पेशली क्या बनाए। तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ वीट ब्रेन हाई इन फाइबर। तो जितना हमने नीड किया हुआ आटा लिया है ना, लगभग ये उतना ही वीट ब्रेन इसमें डाल देंगे। और स्ट्रैंड भी डाल सकते हैं, वीट ब्रेन भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, जितना हमें इस डो के लिए चाहिए, किस फीका ना लगे ये हमें। क्योंकि सिंपल परांठे बनाते हुए क्या होता है ना कि सिंपल परांठे में हम लोग नमक मिर्च फिर भी डाल लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस प्रोसीजर में ना, नमक मिर्च ऊपर से डालना इजी नहीं होता है। तो इसमें आपको जितनी भी जरूरत है, थोड़ा सा मैंने मिर्च डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर डाला है। और अब इसको मैं मीट कर दूंगी। देखिए, मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एक वीट ब्रेड डाला है, नमक मिर्च जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसको हम अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे, पानी बहुत कम अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि ये हमारा जो डो है ना सिंपल वाला, उसमें भी पानी होगा। तो क्योंकि इसमें जो ब्रेड होता है ना, उसमें पानी बहुत कम डलता है, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, फिर आपको रोटी बेलने में प्रॉब्लम करेगा। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दो रेडी कर लिए हैं। इसको अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। 10-15 मिनट अगर आप इसको रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको इतना सॉफ्ट लगाइए कि इसकी रोटी बननी इजी रहे। ज्यादा टाइट करेंगे ना तो रोटी बननी इजी नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इसमें से इक्वल बॉल्स निकाल लेंगे। हमें जितनी परौंठी बनानी है ना, उससे डबल, दो परौंठी बनानी है तो हम 4 इसके पीसेस निकाल लेंगे इक्वल क्वांटिटी में। अब इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। घी तेल का इसमें कोई काम नहीं है, नमक मिर्च हमने इसमें डाल दिया है। अब बस बॉल्स बना के इसको हम परौंठी भी बना सकते हैं, लेकिन डाइट में परौंठी ठीक नहीं रहती है, तो मैं इसकी स्टफ्ड रोटी बनाऊंगी। तो ये बॉल्स हमारी बनके रेडी है। अब हम 1 by 1 बॉल्स को लेते जाएंगे और पहले हम 2 रोटी बेल लेंगे। इसकी रोटी बननी थोड़ी सी स्टफ, रोटी बननी थोड़ी सी टफ होती है, तो इसको ध्यान से बनाइएगा। सिंपल बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको भरेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से हम रोटी 2 बेल लेंगे। एक बनाकर दिखाती हूँ आपको पहले मैं। तो इस तरह से एक हमारी हो गई है, दूसरी बना रहे हैं। जो हमने ये दूसरी वाली बनाएंगे ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चपाती। ये देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी। नमक मिर्च इसमें डाला हुआ है, घी वगैरह कुछ डालना नहीं है। और ये जो हमने गोभी का मिक्सचर बनाया है, इसमें हमारा सब कुछ नमक मिर्च सब रेडी है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है उतना आप इसको स्टफ करिए। और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख कर ना, अपने हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए,
थोड़ा सा हाथ गीला कर लिया है मैंने और अब मैं इसके किनारे सील कर दूंगी, सारे किनारे इसके सील कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से हमारे किनारे सील हो गए हैं। और अगर आपको नीचे आटे डालने की जरूरत है तो डालिए, नहीं तो इसको ऊपर से थोड़ा सा आटा डालिए और इसको बहुत लाइट हाथों से इसको बेल लीजिए। ये हमारी ब्रेड की स्टफ्ड रोटी रेडी हो गई है। अब इसको हम पका लेंगे। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ब्रेड है। तो ये तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं हल्के से इस रोटी को उठाऊंगी और इसको मैं तवे पर डाल दूंगी। अब इसको फुल पर ही बनाना है। अब जब तक वो नीचे से रोटी हल्की सी पकेगी उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो देखिए ऊपर ये थोड़े थोड़े बबल्स हमें नजर आने लगे हैं तो हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसको ध्यान से पकाना पड़ेगा। तो देखिए देख लेते हैं, नीचे रोटी पक चुकी है, अब बस पकने वाली ही है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके पका देंगे। थोड़ा सा फ्लेम को बेशक से आप मीडियम कर लीजिए ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। मेरा फ्लेम तो मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो इस तरह से ये देखिए चपाती बस बनने ही वाली है। और इस पर हम तवे पर ऑयल नहीं लगाएंगे। डाइट के लिए हम कुछ भी रोटी परांठी बनाते हैं तो हम उसको तवे के ऊपर कभी भी घी बटर कुछ नहीं लगाते हैं। जब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे तब आप उस पर लाइट सा घी या बटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी चपाती रेडी है, इसको हम उतार लेते हैं। तो ये पालक का रायता बनाने के लिए हम लोग पालक को एक बार बॉईल कर लेंगे। एक बॉईल आ जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पालक उबल गई थी, अब उसको मैंने पानी अलग कर लिया है, छान लिया है पालक को। अब इसके बाद मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसको अच्छे ढंग से मैश कर लूंगी। मैश हो चुका है ये देखिए। अब तो ये मैंने एक बाउल के बराबर दही ले ली है और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। एक मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे इसको। ये ब्लेंड हो चुकी है। अब ये जो हमने पालक को फ्राइंग किया था ना वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें डाल दिया मैंने सारा पालक और अब हम इसको अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद जो भी आप मिर्च मसाले डालना चाहें डाल सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच कर्ड सीजनिंग और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक, सफ़ेद नमक, ये भी मैं आधा चम्मच डालूंगी। अब इसको अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए पालक का रायता हमारा रेडी है। डाइट लंच रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, यम्मी बना है। डाइटिंग करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आप कि हम डाइटिंग करेंगे तो फीका खाएंगे। कुछ फीका खाने की जरूरत नहीं है गाइस। आप टेस्ट से अपना वेट लूज कीजिए, देखिए कितना बढ़िया बना है। और इसमें हाई फाइबर मैंने मिलाया था जो कि वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।